है। मैं पिछले 8 साल से मुंबई में हूँ और 8 साल में मैंने ज़्यादातर सभी डिज़ाइनर्स के लिए काम किया है। 3.5 साल मैंने थिएटर किया है मुकेश भी यादव जी के साथ में, और ये मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है। 2 फिल्में और कम्प्लीट। सर, इसमें आपका क्या रोल है? मैं इसमें एक बिगड़े हुए लड़के का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक नेगेटिव शेड है, जिसको पॉलिटिशियन अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तो इसमें एक सोशल मैसेज है, जो एक रिलेशनशिप होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उनका जो एक गुरुकुल पद्धति में होता था कि मतलब वो एक अच्छा ग्रिप होता था, स्टूडेंट कितनी रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की और टीचर कितनी मतलब स्टूडेंट को कितना टेक केयर करते थे, इसमें वो आपको देखने को मिलेगा। सर, मैं आपसे जान रहा हूँ, इस तरह से पोस्टर में लिखा छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ऐसे तरह तमाम दोनों के लाइन लिखे। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना स्टूडेंट बेस पावर पे ही है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो स्टूडेंट पर ही है। अगर स्टूडेंट अच्छा होगा तो ही हम किसी भी चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमित, आपको ये फिल्म कैसे मिली? सर, मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था। नहीं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ पर इनके पास जाके इनको मिल लो और यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं। उसके बाद मैं दिनेश जी से मिला और उन्होंने ऑडिशन किया और हम लोगों की 21 से 25 दिन की वर्कशॉप हुई थी, स्पेशली मेरी इस करेक्टर को ग्रैप करने के लिए, तब उन्होंने फाइनल लिया। सर, स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगा, एज ए न्यू कमर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कि मेरे पास कुछ इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं थी कि मैं चूज़ करूँ कि मेरे को ये ऑप्शन करना, मेरे को ये ऑप्शन करना। मुझे जो चीज़ मिली है मुझे उसमें अपना बेस्ट देना था और मैंने देने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। आपके साथ दो नई लड़कियाँ थी। यस, उसके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं दोनों की। इसके अलावा और कौन सी फिल्में कर रहे हैं? मैंने अभी कंप्लीट किए, एक गाना बाकी है, पैरानॉर्मल इश्क मेरी कंप्लीट है, वो अक्टूबर नवंबर प्लान कर रहे हैं रिलीज। सर, कैरेक्टर दिनेश कुमार साहू के साथ आपका कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने जितनी भी चीज़ें हमसे कराने की कोशिश की है बहुत ही नेचुरल वे में की है। एक आम आदमी होता है, एक नेक्स्ट डोर आदमी होता है, एक स्टूडेंट होता है जो कॉलेज में जाता है, वो वैसा ही उन्होंने ट्रीटमेंट दिया हम लोगों को, उसी जगह रखा, उसी तरीके से मतलब कैरेक्टर को निभाया। सर, जब इस फिल्म में आपका सिलेक्शन हुआ, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, तो उसके फिल्म के लिए कोई खास तैयारी किया आपने? हाँ, बिल्कुल किया, एक्शन सीखा था, बॉडी आई एम ट्रेन इन मार्शल आर्ट। सर, इसके फिल्म का म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक बहुत अच्छा है, कितने गाने हैं? 5 सॉन्ग्स हैं, 5 के 5 सॉन्ग्स एक नंबर है। व्यूअर्स को क्या मैसेज है? कोई भी काम करो अच्छे से करो, किसी भी काम को करने के लिए शिद्दत होनी चाहिए।